हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल में 100 का एक क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से 50 क्वेश्चन ट्रेड से रहने वाला है, जिसका मैं सफाई वाला और कुक से काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। और काफ़ी 5 से 6 वीडियो अपलोड है, इसका सीरीज बना चुका हूँ। अभी इस वीडियो में मैं टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जीके का, जो लास्ट 6 से 7 वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए देखते हो कौन सा क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जैसे कि दिया है गुलाब दिवस। गुलाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन से, भारत में प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना जरूरी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? तो प्रीतमपुर 235 मीटर ऊंचाई है और ये नई दिल्ली में प्रीतमपुर स्थित है। यानी ये ऊँचा भारत का सबसे ऊँचा टीवी टावर है प्रीतमपुर में, नई दिल्ली। और 4 नंबर क्वेश्चन है, द्वारका किस राज्य में स्थित है? द्वारका गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में द्वारका स्थित है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वारका किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन से भगवान के लिए प्रसिद्ध है या देवी देवताओं के लिए? तो श्री कृष्ण से संबंधित है द्वारका, यानी कृष्ण जी का वहाँ के संबंध में वहाँ पर द्वारका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किस वर्ष स्थापना हुई थी? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना हुई थी। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि ITBP की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इस वीडियो में बोलता हूँ कि BSF की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, 7 नंबर क्वेश्चन है, मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है? मालती माधव पुस्तक के लेखक भावभूति है, भावभूति रचयिता है मालती माधव पुस्तक के लेखक। उसके बाद दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, कुवैत देश की राजधानी क्या है? यानी कुवैत सिटी कुवैत देश की राजधानी है। उसके बाद दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चंस, कुवैत देश की मुद्रा क्या है? कुवैत देश की मुद्रा दिनार। आप चाहे तो इस सब क्वेश्चंस को लिख सकते हैं नोट्स बना के, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चंस, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चंस है इस सीरीज़ का, काफ़ी मैं वीडियो बना चुका, वीडियो को नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट है CRPF रिलेटेड वीडियो, जिसमें काफ़ी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं इसमें डाला हूँ, जो सफाई वाला और कुक से रिलेटेड है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और चीन के बाद हमारे देश भारत आते हैं, जिसका जनसंख्या काफ़ी है। यानी 1 पे चीन है, 2 पे भारत है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था, डिस्कस किया, काफ़ी आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, और वीडियो को शेयर भी कर दे। थैंक फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मिलते हैं।